क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली बड़ा आसान है, क्योंकि मैं सिखाऊंगा आपको तो एकदम समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है टू इक्वल चार्जेस जिनकी वैल्यू है 2×10⁻⁷ कूलाम, हमसे कह रहा दोनों फिक्स हैं, ठीक है, और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो लेट अस सपोज कि एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, दोनों की वैल्यू कितनी है 2×10⁻⁷, ये भी 2×10⁻⁷ है, ये फिक्स है, ठीक है। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है 20 सेंटीमीटर की, ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन खुद ब खुद मेंशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको डायग्राम में बना दिया। आगे बोल रहा है अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। देखो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि बिल्कुल बीचों बीच में इतना ही मैग्नीट्यूड का आप तीसरा चार्ज रख दो, तो आपने रख दिया 2×10⁻⁷, ठीक है, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। हमसे कह रहा है इट इज नाउ मूव्ड, अब इसको चलाया गया टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ चार्जेस, ये कहा जा रहा है इसको इतना ऊपर चलाया गया है कि इन दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक आपने इसको ऊपर और चलाया है। देखो हमसे कह रहा है, देखो इट इज़ नाउ मूव्ड, कौन सा मूव कराया गया, इसको मूव कराया गया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी नई लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर, ये 2×10⁻⁷ कूलम, ठीक है। अब आपसे कह रहा हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई आप नाम मेंशन कर दो, लेट अस सपोज कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कहीं ना कहीं ये मिड पॉइंट जो है इसको आप एम ही कह दो। तो मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर ये एक चार्ज था और ये एक चार्ज था, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया गया, ये जो नई लोकेशन दिखाई दे रही है ये इसी की ही है, तो खुद बताओ यहाँ से यहाँ तक मूव कराया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर अपना एक अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ पर अपना एक अलग पोटेंशियल होगा। आपसे कह रहा है कि कितना वर्कडन करना पड़ेगा, जब वर्कडन का मसला बन जाए ना, वर्कडन का, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही पड़ता है, क्योंकि आपको ये वर्कडन निकालना, तो वर्कडन के लिए आपको ये ज़रूरी है कि चार्ज को कहाँ से कहाँ को शिफ्ट किया है, तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया है, तो यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट करो, देन यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट करो, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, उस डिफरेंस की चार्ज से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यही वक्रन होता है। वक्रन का फॉर्मूला क्या है, अगर मैंने इसको एम पॉइंट कहा, इसको सी पॉइंट कहा, तो आप सी का पोटेंशियल निकालो, उसमें से माइनस कर दो एम वाले पोटेंशियल को, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसकी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को आप लेकर जा रहे हो, तो ये होता है वर्कडन का फॉर्मूला। लेकिन आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देखो, प्लस इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देख लो, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से सेंटर एम पर पोटेंशियल निकाल लो, फिर आप इन दोनों की वजह से सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। और पोटेंशियल निकालने के लिए पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालने के लिए आपको आर डिस्टेंस पर फॉर्मूला होता है KQ/R, यही तो फॉर्मूला होता, आपको चार्ज और डिस्टेंस से मतलब है पोटेंशियल निकालने के लिए, तो ये तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब आपको करना क्या है, वर्गडन निकालना है, तो वर्गडन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो यहाँ के पोटेंशियल के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया, इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, देन फिर आपको यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल। अब इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल आ चुके, डिफरेंस निकाल दो फाइनल माइनस इनिशियल करके, और इसके चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो बार कह चुका हूँ इसी बात को, अब मैं कहूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा। कैसे करके दिखाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा सोल्यूशन बड़ा बड़ा, और लिखूँगा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट, मैं कहूँगा VC माइनस के VM। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट ये है, तो मुझे इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, तो चार्ज ये है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो के तो मैं बाहर लिख दूंगा, चार्ज कितना है 2×10⁻⁷ है,
और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू आएगी 0.2. तो यहाँ पर लिख दूँगा 0.2 प्लस. ये तो मैंने इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल दिया. सिमिलरली यहाँ पर रखे हुए चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करूँगा तो प्लस लगाऊंगा ना. चार्ज कितना 2×10⁻⁷. ठीक है, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त. यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितने 20 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.2 मीटर कह सकता हूँ क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में वैल्यू रखनी नहीं होती है. तो ये मैंने इतनी वैल्यू रखी है वी सी की, माइनस माइनस लगा दिया. अब वी एम की वैल्यू, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल. अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस वाले चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल. तो आप लिखोगे के तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. चार्ज कितना पहला वाला 2×10⁻⁷. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पूरा 20 सेंटीमीटर था तो ये हिस्सा 10 सेंटीमीटर बचेगा. अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, जिसकी वैल्यू होती है 0.1. तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0.1 प्लस अगेन इसकी वजह से देखूंगा तो चार्ज मुझे कितना लेना पड़ेगा 2×10⁻⁷. इस वाले चार्ज के लिए डिस्टेंस का काम कितने करेगी, अगेन 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा 0.1. ठीक है, तो ये आ चुका है वी सी माइनस वी एम. इसको सॉल्व करने के लिए जरा एक सिंपल सा फंडा है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो आप ये कह सकते हो देखो अगर मैं इसको एक्स कहूँ, एक्स प्लस एक्स तो ये हो जाएगा 2x. बाहर मल्टीप्लाई किसकी चल रही है, के, तो के इंटू 2x हो जाएगा. तो मैं इस 2 को पहले लिख दूं, के एक्स हो जाएगा. तो 2 पहले लिख दिया, के मेरे पास ये हैगा और x का काम कर रही है वैल्यू, ये क्या कर रही है 2×10⁻⁷. ये x का काम कर रही है, नीचे 0.2 था. इसमें से माइनस कर रहे हो आप, किसको माइनस कर रहे हो, जल्दी से इसको कर रहे हो, तो ये के ऐसी रहेगा. अब देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं तो सेम क्वांटिटी दो बार लिख दो. दो बार कौन सी क्वांटिटी है, यह है 2×10⁻⁷ डिवाइड में क्या चल रहा है, जल्दी से बताओ 0.1. सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई. जरा इसको सॉल्व करके देखो, ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया तो ये 2×10⁻⁶ बचेगा क्योंकि 10 ये है, 10⁻⁷ ये है. तो 2×10⁻⁶ माइनस करोगे, पॉइंट हट चुका, 2×2 = 4 तो हो जाएगा 4×10⁻⁶. 2×10⁻⁶, 4×10⁻⁶. तो 2 के में से 4 के निकालोगे तो माइनस का 2×10⁻⁶ वैल्यू रखो माइनस 2. के की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹. 10⁻⁶ पहले से ही चल रहा था तो 9×2 = 18 माइनस के 18. 10⁻ प्लस करो 10⁻⁶ तो 10⁻+3. तो ये आ चुकी है वी सी माइनस वी एम की वैल्यू, इतने बोल्ट. ठीक है भाई, अब आपसे ये थोड़ी ना पूछिए कि वैल्यू बताओ, आपसे तो वर्गड़न पूछा. तो वर्गड़न कैसे निकालोगे, वर्गड़न निकालने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. अब आप कहोगे वर्गड़न, वर्गड़न वगड़न चार्ज को एम से सी तक मूव कराने के लिए, टू मूव चार्ज फ्रॉम एम, एम से सी तक, फ्रॉम एम टू सी. तो ठीक है, वगड़न निकालने के लिए अब एम से सी तक लेकर गए हो तो सी का पोटेंशियल माइनस एम का पोटेंशियल, जो कि ये है आपके पास वी सी माइनस के वी एम, और जिस चार्ज को लेकर जा रहा हो उसकी मल्टीप्लाई. बी सी माइनस वी एम की वैल्यू है माइनस के 18×10³. जिसको आप लेकर जा रहे हो उसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, हाँ जो लेकर जा रहे हो वो है ये 2×10⁻⁷ का. तो 2×10⁻⁷ ऐसे रहने दोगे, 18 दुनी होते हैं 36 तो माइनस का 36. ये 10³ है, 10⁻⁷ है तो 10⁻⁴ बचेगा. ये 36 है, इसको मैं 3.6 कहूँगा तो बड़े नंबर को छोटा किया तो पावर प्लस में हो जाएगी 1. तो 10⁻³, जब इसमें प्लस 1 ऐड करोगे तो 10⁻³ बचेगा. तो आपके पास वैल्यू आ गई है वर्ग के, -3.6×10⁻³ जूल. ठीक है भाई, यही आपका आंसर था और यहाँ पर भी देख सकते हैं आंसर कितना, -3.6×10⁻³ जूल. होप सो समझ में आया होगा. एक दो बार जरूर प्रैक्टिस करें, ये लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन मेरे थ्रू बड़े इजी हो चुके हैं. बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे हज़ार क्वेश्चन आ जाएं, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए लेकिन आपसे गलत नहीं होगा. लेकिन शर्त यही है कि आपको ये चीज़ें
एकदम ओरली रटवी होनी चाहिए और समझ में आनी हुई चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सब कुछ टफ है. इस न्यूमेरिकल के अंदर ही मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है. होप सो समझ में आ गया होगा. स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें. थैंक यू सो मच.